कहो हमारी गुड़िया कैसी दिखने में तुम बनी हो कैसी, क्या क्या जितना इसे पिलाती, कैसे माँ का दूध पिलाती। मेरा दूध ना बिटिया पीती, मेरा दूध ना बिटिया पीती, शुरुआत दिन रात को तल से होती। मेरा दूध ना बिटिया पीती, शुरुआत दिन रात को तल से होती। गाय का इसको दूध पिलाती, घर वाले सब लाड लड़ाते। बात क्या तुमने ये ना सुनी, माँ का दूध है कितना गुनी, बच्चों को ये ताकत देती, बीमारियों से ये दूर भगाती। कोशिश मैंने बड़ी करी थी, मुन्नी को भी भूख लगी थी। नहीं पिलाते बनता मुझसे, दर्द में मैं दिन रात पड़ी थी। बच्चे को तुम सहारा देना, सिर को सही को एक सीट में रखना, पूरा खुला मुंह हो उसका, यही है इस मुश्किल का नुस्खा। इन बातों को भूल न जाना, माँ से मेरे बच्चों को खाना, जो माँ ठीक से खाना न खाए उसका बच्चा कमजोर हो जाए। सिस्टर दीदी आप ही बताइए, बच्चे को ऐसा क्या है, माँ क्या खिलाना, अंडा हरी सब्जियाँ खिलाना, दाल दूध करे आप खिलाना, अच्छा खाना ये खाएगी तो बच्चे को स्वस्थ पाएगी। पूरी समझ अब मुझे आई। मुन्नी को मैं दूध पिलाऊं, बीमारियों से इसे बचाऊं। बहू बच्चे को कहे चटा दे। अरे नहीं माजी, आप ये क्या बोल रही हैं, बच्चे को कहे नहीं चटाते हैं क्योंकि बच्चे को इसमें से इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि बच्चे को पैदा होने के बाद 1 घंटे के अंदर इसको माँ का दूध देना आवश्यक होता है, इससे बच्चा चुस्त और तंदुरुस्त बनता है। अरे तुम क्या जानो बच्चों को कैसे पालते हैं, शहद चटाने से बच्चों का स्वर मीठा होता है। अरे अम्मा ये क्या बात कर रही हैं, विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि माँ का पहला गाढ़ा दूध ही शिशु के लिए अति आवश्यक होता है और ऊपरी आहार को पचा नहीं पाता है, इसलिए पहले बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। नहीं अम्मा, इससे बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। वैसे भी माँ के दूध में 80% पानी होता है जो बच्चे के लिए काफ़ी होता है। 6 महीने के बाद के ऊपरी बाद ही बच्चे को कुछ पिलाना चाहिए। और तो और ये बच्चे के लिए इतना गुणकारी होता है, यदि माँ बीमार हो जाए तो भी बच्चे को अपना दूध पिला सकती है, यदि बच्चा बीमार हो जाए तो वो माँ का दूध को अधिक पिएगा जिससे उसे बच्चों को रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। पानी भी ऊपर से उसे ना पिलाना, श्रीमंत से पहले कुछ ना खिलाना।
माँ की एक कहानी बताए कैसे कैसे वो जीती है, कैसे कैसे वो जीती है, क्या क्या पीड़ा वो सहती है, सारे गम को भूल बुझाती जब घर में संतान ले आती, कैसे उसकी मदद करें हम कि हो पाए गम उसके कम। ये लीजिए, अब मैं काम में जा रही हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जब पत्थर होएगा तब मैं क्या करूँगी? तब आप उसे क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? बताओ कैसे पिलाऊं दूध, कैसे बताओ कैसे बताऊं कैसे पिलाऊं दूध, दूध पिलाऊं के काम पे जाऊं। मुन्ने को जब भूख लगेगी घर वाले को तब पिलाना। अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया है माँ। जब भी मैं काम पर जाया करूँगी तो मुन्ने के लिए कटोरी में दूध निकाल कर जाया करूँगी। जब भी इसे रोना दूध पिलाना होगा तो आप कटोरी से चम्मच से दूध पिला दीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं कटोरी और चम्मच उबाल के लाती हूँ ताकि वो इन्फेक्शन से बचे। फिर तुम मुन्ना को दूध निकाल के दे देना ताकि जब वो भूख लगे तो मैं उसको पिला दूँ। ठीक है माँ, मैं काम में जाती हूँ। ठीक है बेटा। ज्ञान विज्ञान की लूट लगी है, लूट सको तो लूट लो भैया। ज्ञान विज्ञान की लूट लगी है, लूट सको तो लूट लो भैया। आप मेरी पछताओगे तब समय आएगा तू। भैया अरे सुनती हो, एक कप चाय तो लाना। कब से बुला रहा हूँ, अभी तक चाय नहीं आई। जी आई। ये कोई वक्त है चाय लाने का? जब देखो बच्चे को दूध खिलाती रहती, कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? अब मुझे चाय नहीं पीना, भूख लगी है, खाना लेके आ। देखो देखो क्या हो रहा है, पत्नी का वो साथ न दे, बच्चे पर वो ध्यान न दे। चलो निभाओ जिम्मेदारी, पति ना हो पत्नी पर भारी। कैसी लगी ये आप मेरी जानकारी? कैसे होगा शिशु का स्तनपान, रखना होगा हर किसी को इसका ध्यान। क्या बात।
बात है, क्या बात है, इतना जबरदस्त नाटक देखकर तो हमें एक बात याद आ गई। शिशु की सारी बीमारियों को कर देता है फीका, शिशु की सारी बीमारियों को कर देता है फीका, माँ का दूध बच्चे का पहला प्राकृतिक टीका। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप इस समारोह में सम्मिलित हुए, धन्यवाद। आंटी आप लोग इधर आगे आ जाइए, आप भी आइए आंटी, आप भी आइए, सब लोग आ जाइए।